तेरे बिन हिमाती नहीं, शमशानों में देखी होगी वीर कोई आती नहीं। लाश भूत की पड़ी देख क्यों फाटे तेरी छाती नहीं, लाश भूत की पड़ी देख क्यों फाटे तेरी छाती नहीं। सारी बात शमशानों में लाश लेके आई थी क्यों खाली हाथ, मैं भी धर्म निभाऊंगा ना मालिक से करूंगा घात, मैं भी धर्म निभाऊंगा ना मालिक से करूंगा घात। जारी कर दे आग हो कुछ दया गैल बिखे थे साठ भार सोने के मोल, सूझ रही तन राड़े आज मेरी छाती के माँ बैठी होल, सूझ रही तन राड़े आज मेरी छाती के माँ बैठी होल। अपन खटियाली बात ध्यान कर खड़ा उठावन नाटकी, मिश्रानी बन बैठी थी तू धर्म अलैदा बाटगी, भीतर ले मल थी धरी मेरे तारा चाल काटगी, भीतर ले मल थी धरी मेरी तारा चाल काटगी। टूट गया वो नाग हो किसी ढेरी कर गया कंचन बरी बन गई थी कि पिया जी आप भंगी के घर नौकरी करते हो और मैं एक ब्राह्मण के, तो वक्त की बात होती है और कह दे जो कुछ कहना है। पिया जी आप तो इंसान हो और मेरे पति भी, और आप रोहतास कुंवर के भी बाप हो, आपको इतनी फिक्र होनी चाहिए। आज मैं अंधा गूंगा बहरा लाचार और दिमाग से अपंग भी हूँ, क्योंकि मुझे धर्म के पीछे अंधा हूँ, और तुझे जो कुछ कहना कह दे, मुझे कर चाहिए कर। मेरी बात सुन लीजिए पिया जी, आंखों पे धर लई टेकरी इब देता है दिखाई नहीं, मर घटका कर मांग रया आज शर्म कती आई नहीं, कैसे क्रिया कर्म करूं मेरे धोरे एक पार।
दे चिता में पहले कर वसूल होते मेरे मालिक का हुक्म यही ना इसने घाट कबूल हो तारा है ये तेरा बेटा रोहतास है लेकिन मजबूर था एक तरफ पत्नी और पुत्र की लाश और एक तरफ सत्य और धर्म की दीवार खड़ी थी जानते हुए अनजान बन जाता है मजबूर हो जाता है दिल रो रहा था ऋषिंद का लेकिन मेहरबानों धर्म के कारण जानते हुए भी अनजान बनकर भूल जाता है और कर मांगता है क्या मुकाबला ले जा तेरी सूम काट के और कफन की जगह पिया मेरी ले जा साड़ी फाड़ के और कफन की जगह पिया मेरी ले जा साड़ी फाड़ के सवा रुपए पूर देता कफन तुझको देना पड़े जरूर काली एक नौकर सूमे सुजाता मजबूर खोद